हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। सो गाइस, अगर आपने भी अभी नया आईपैड परचेस किया है या फिर आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आईपैड पर शिफ्ट हुए हैं तो गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं आईपैड से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद में आप अपने आईपैड को और भी फ्लॉलेसली और अच्छे से और एक फास्ट वे में अपने आईपैड को यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो हमारी फर्स्ट वाली सेटिंग होने वाली है एप्पल आई क्लाउड से रिलेटेड। और बेसिकली गाइस एप्पल आई क्लाउड में होता है क्या कि आपके आईपैड में जितना भी डेटा पड़ा हुआ होता है, आपका फोटोज़ या फिर वीडियो या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये आपके इंटरनेट की हेल्प से जो एप्पल की आई क्लाउड सर्विस होती है ऑनलाइन स्टोरेज वाली, तो उस पर जाके ये अपलोड करता रहता है और वहाँ पर आपका जितना भी डेटा होता है वो एक सिक्योर वे में स्टोर रहता है। बट गाइस अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आपको अपना किस एप्लीकेशन का डेटा आई क्लाउड पर स्टोर करना है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि गाइस हमारा जो फोटोज़ वाला एप्लीकेशन होता है उसमें हमारे वीडियोज़ और फोटोज़ स्टोर रहते हैं और उनका साइज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, 10 GB, 15 GB या फिर 5 या 6 GB होता रहता है। तो गाइस अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे तो फिर आई क्लाउड करेगा क्या कि आपके इंटरनेट की हेल्प से आपका जितना भी डेटा होगा उसको ये अपने आई क्लाउड पर स्टोर करता रहेगा। तो वहाँ पर आपका जो इंटरनेट का डेटा है बहुत तेज़ी से खर्च होने वाला है, और अगर आप 2 या 3 GB वाला प्लान यूज़ करते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका डाटा कहाँ पर जाकर ख़त्म हो गया। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपने एप्पल के आईक्लाउड वाली सर्विस में ये जो फोटोज़ एप्लीकेशन वाला डेटा होता है इसकी ऑटोमेटिक अपलोडिंग को ऑफ कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी ऑफ कर रखा है। तो गाइस इसको ऑफ करने से आपको जो सिम कार्ड पे आपका डेली डेटा मिलता है वो आपका बच जाएगा और उसको आप किसी और काम में यूज़ कर पाएंगे। और गाइज अगर आपके पास में अनलिमिटेड डेटा है, यानी कि आपके घर में फाइबर वगैरह का कनेक्शन लगा हुआ है, तो गाइज आप वहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि उस केस में तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, आप चाहे कितना भी खर्च कर लीजिए आपका डेटा वहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है। ओके गाइज, तो अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में, और जो कि होने वाली है डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। तो आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाली सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको लाइट मोड और डार्क मोड देखने को मिल जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, और इसके अलावा आपको ब्राइटनेस वगैरह तो ये भी आपको पता होगा। और ब्राइटनेस के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रू टोन वाला। तो गाइस इस वाले फीचर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, और ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट फीचर है, और जो कि आपको आईपैड मिनी 5 की डिस्प्ले में देखने को मिलता है, और ये एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट में देखने को मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली गाइस होता क्या है, अगर आप इस वाले फीचर को ऑन करके रखते हैं तो आपका जो आईपैड का डिस्प्ले होता है ये आपके आसपास की जो एम्बिएंट लाइटिंग होती है, यानी कि आपके रूम की लाइटिंग हो गई या फिर आपके आसपास में आप जहाँ पे भी घूम रहे हैं अपने आईपैड वगैरह को लेकर, तो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जैसे भी लाइटिंग है, फिर चाहे वो हाई लाइटिंग हो या फिर डिम लाइटिंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने डिस्प्ले के कलर्स को और उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करता रहता है। तो गाइस मानकर चलिए कि अगर आपने इस वाले ऑप्शन को ऑन कर रखा है और आप अपने आईपैड को नाइट में यूज़ कर रहे हैं रीडिंग करने के लिए, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, अपने आप से आपके आईपैड को कलर्स को एडजस्ट कर देगा नाइट के हिसाब से, मतलब कि कलर्स को थोड़ा डाउन कर देगा और ब्राइटनेस को भी डाउन कर देगा, जिससे कि गाइस आपकी आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े, और वहीं सेम इसका उल्टा दिन में कर देगा कि अगर आप इसको डेलाइट में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये आपके कलर्स और ब्राइटनेस को थोड़ा पॉप कर देगा और मतलब हाई लेवल पे लेकर चला जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन को जरूर ऑन करके रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसके अलावा आपको ये नाइट शिफ्ट के बारे में पता ही होगा कि इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपका जो डिस्प्ले होगा नाइट में थोड़ा येलोइश हो जाता है, तो उससे भी आपकी आंखों पर जो होगा वो स्ट्रेन वगैरह बहुत ही कम पड़ता है। और इसके नीचे गाइस अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में, तो वो आपको देखने को मिलेगी टेक्स्ट साइज़ की। तो गाइस अगर आपको अपने आईपैड में जो टेक्स्ट वगैरह देखने को मिलता है वो अगर आपको छोटा लगता है और आपको उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट को जो साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ वगैरह कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, और जहाँ पर आपको विजिबिलिटी ठीक लगती है तो वहाँ पर आप इसको सेट करके रख सकते हैं। इसके साथ में गाइस आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है बोल्ड टेक्स्ट करके, तो इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको बोल्ड टेक्स्ट पसंद है अपने आईपैड के जो पूरा UI होता है उसमें, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सही भी रहता है, अगर आप बोल्ड टेक्स्ट को ऑन करके रखते हैं तो आपको टेक्स्ट वगैरह थोड़ा मोटा मोटा दिखाई देता है और आपको वहाँ पर देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद में आपके आईपैड का जो ओवरऑल टेक्स्ट होता है वो थोड़ा बोल्ड बोल्ड हो जाता है, मतलब कि मोटा मोटा आपको दिखाई देता है, तो ये भी आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऑन करके रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। और मैं तो बेसिकली इसको ऑन करके रखता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑन करके रखिए, जिससे आपको विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो गाइस ये वाली सेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके मोबाइल डेटा को सेव करने वाली सेटिंग है। तो आपको जाना है जनरल वाली सेटिंग में, और यहाँ पर आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में,
और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक अपडेट्स वाला, तो इस वाले ऑप्शन को भी आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि गाइस बेसिकली होता क्या है कि आईपैड में जो अपडेट्स आती हैं वो बहुत बहुत बड़ी अपडेट आती हैं। जनरली जो अपडेट आता है वो 800 से 900 एमबी का होता है मिनिमम, और मैक्सिमम वो 1 से 1.5 GB तक चला जाता है। तो गाइस इनकेस अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन रहता है और आप अपने आईपैड को मोबाइल डेटा से यूज कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, तो गाइस वहां पर आपका जो डेटा होगा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाइस आपका आईपैड अपने आप से अपडेट्स को डाउनलोड करने पर लग जाएगा और आपका डेटा वहाँ पर खर्च होता रहेगा। और अगर आपके पास में फाइबर है तो वहाँ पर तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, तो आप इसको वहाँ पर ऑन करके भी रख सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है मल्टीटास्किंग से रिलेटेड, और जैसा कि आपको पता है कि आपने आईपैड के थ्रू बहुत ही तगड़ी वाली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अभी मैंने यहाँ पर सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, और अगर आप चाहते हैं कि अपने मल्टी विंडो में कोई और एप्लीकेशन को ओपन करना, तो आपको सीधे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे से स्वाइप करना है, और आपको जो वाला एप्लीकेशन भी ओपन करना है मल्टी विंडो में, तो आपको क्या करना है, उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसको स्लाइड करते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है और उसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो आपका जो दूसरा एप्लीकेशन होगा वो मल्टी विंडो में ओपन हो जाएगा, और उस वाले एप्लीकेशन को आप अच्छे से यहाँ पर यूज भी कर पाएंगे। और अगर आपको मल्टी विंडो को हटाना है, तो आपको यहाँ पर जो ऊपर ग्रे कलर का आइकन देखने को मिलता है, इसमें आपको सिंपली टैप करना है और आपका ये मल्टी विंडो यहाँ से ऑफ होके चला जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पर हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये भी मल्टीटास्किंग से रिलेटेड होने वाली है। और बेसिकली गाइस आपको इतना तो पता ही होगा कि आपने अगर आईपैड में बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ होता है, तो आपको उनमें से अगर किसी और एप्लीकेशन में स्विच करना होता है, तो आपको अपने आईपैड के नीचे की ओर से ये स्वाइप करना होता है ऊपर की साइड में, और आपके सारे रिसेंट एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाते हैं, और फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से अपने एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। बट गाइस इसके अलावा एक और तरीका होता है जो कि काफ़ी फास्ट होता है एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने का, और जो कि होता है जेस्चर की हेल्प से। तो उसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आपको अपने आईपैड के नीचे के साइड से स्वाइप करना होता है कुछ इस टाइप से, तो आप आसानी से अपने जो रिसेंट एप्लीकेशन होते हैं उनमें स्विच कर पाएंगे लेफ्ट और राइट स्वाइप करके। तो गाइस ये वाला तरीका पहले वाले मेथड से बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट रहता है, तो इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, और जो कि पूरा का पूरा जेस्चर्स की हेल्प से होने वाला है। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टिप के बारे में, और बेसिकली ये वाली टिप आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी देखने को मिलती है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, तो आप इन सेटिंग्स पर टैप करके डायरेक्टली उस वाली सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को वाईफाई सेटिंग में जाना है, तो मैं वाईफाई पर टैप कर दूंगा, और वाईफाई पर टैप करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी वाईफाई की सेटिंग ओपन हो चुकी है। और इसको अगर मैं यहाँ पे एक्शन सेंटर की हेल्प से ओपन करता, तो मेरे को यहाँ पर पहले यहाँ पे लॉन्ग टैप करना पड़ता, इसके बाद में मेरे को यहाँ पे दोबारा से टैप करना पड़ता, और फिर मेरे को यहाँ पे वाईफाई सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता, और फिर मेरा यहाँ पे जाके वाईफाई वाला सेटिंग यहाँ पे ओपन होके आता। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है, बट अगर आप सेटिंग पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं और आपको सिंपली वाईफाई पे टैप करना है, तो आप डायरेक्टली वाईफाई सेटिंग में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये थोड़ा यहाँ पे फास्ट रहता है। और इसी टाइप से आपको जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सभी में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फोटोज़ वाले एप्लीकेशन अगर आप टैप करते हैं, तो आपको यहाँ पर अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं मोस्ट रिसेंट फेवरेट, और सेम ऐसे ही कैमरा पे अगर आप टैप करते हुए रखते हैं, तो आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का और टेक सेल्फी का इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन में आपको अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और डायरेक्टली आप इसको बिना एप्लीकेशन को ओपन किए हुए ही एक स्पेसिफिक ऑप्शन या फिर सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में, और जो कि होने वाली है सफारी ब्राउजर से रिलेटेड। और जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि सफारी ब्राउजर बहुत ही तगड़ा ब्राउजर है, तो बेसिकली गाइस जब भी आप नया आईपैड परचेस करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रह के आते हैं। तो सेम वैसे ही आपको एक सफारी ब्राउजर में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सफारी ब्राउजर की सेटिंग में आपको जाना है, और इसमें आपको नीचे आने पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके आईपैड में ऑफ रहता है, तो इसको आपको ऑन कर लेना है, और इसको हमेशा आपको ऑन ही रहने देना है। तो गाइस इस वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद में क्या होगा कि आप अपने आईपैड के सफारी ब्राउजर में जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो वो हमेशा आपके सफारी ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में ओपन होगी, यानी कि आपको पूरा डेस्कटॉप वाला वहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आप चाहे कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए अभी यहाँ पर मैं बैटल ग्राउंड्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में जो वेबसाइट लोड होगी हमारे ब्राउजर में, वो पूरा एज इट इज एकदम डेस्कटॉप वाले मोड में ओपन होगी। आप देख सकते हैं सेम वेबसाइट ही ऐसे कंप्यूटर में भी ओपन होती है। तो गाइज ये काफ़ी सही फीचर रहने वाला है अगर आपने आईपैड में बहुत ज़्यादा सर्फिंग वगैरह करते हैं और आप वहाँ पर डेस्कटॉप मोड वगैरह को मिस करते हैं, तो ये चीज़ सही रहती है। आपको केवल एक बार इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर जाके ऑन करना है, और फिर आपका जो सफारी ब्राउजर होगा अपने आप से जितनी वेबसाइट्स होंगी उनको डेस्कटॉप मोड में ओपन करता रहेगा।
तो गाइस ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो आईपैड की कुछ बेसिक सेटिंग्स और इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के रिगार्डिंग। और बेसिकली गाइस ये वाला वीडियो पार्ट वन था और मैं बहुत जल्द इसका पार्ट टू लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको थोड़ा और हाई लेवल के सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और उस बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और गाइस अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपका आईपैड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपकी कमेंट या फिर क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा या फिर अगर पॉसिबल होगा तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो भी बनाकर ले आऊंगा। और मैं मिलता हूं आपसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक एंड बाय बाय।